इश्क की हवा जिसे लगी, उन्हें न जात की फिक्र न उम्र का लिहाज, उन्हें बस इश्क की आस। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में हम लेके आए हैं गौहर खान और जैद दरबार की अनोखी लव स्टोरी के किस्से लेकर। तो चलिए जानते हैं। गौहर की लव लाइफ काफी चर्चा में है कोरियोग्राफर और इन्फ्लुएंसर जैद दरबार के साथ, जो म्यूजिशियन इस्मेल दरबार के बेटे हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गौहर की मुलाकात जैद से टिकटॉक वीडियो बनाते हुए हुई थी। दोनों अच्छे दोस्त बने और वो कहते हैं ना, दोस्ती हर रिश्ते की शुरुआत होती है। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त से खास दोस्त बन गए और उनके इश्क की चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया पर दोनों ने कई बार एक दूसरे के पिक्चर शेयर की, डांस रिहर्सल्स के वीडियोस भी शेयर किए, पर नेहा कक्कड़ के सॉन्ग डायमंड दा छल्ला पर दोनों को परफॉर्म करता देख फैंस भी हैरान रह गए। गाने के एंड में जैद ने गौहर को रिंग पहनाई, वीडियो काफी वायरल हुआ। और अब दोनों की शादी की चर्चा खूब जोरों शोरों से हो रही है। गौर फरमाने वाली बात यह है कि गौहर जैद से उम्र में लगभग 9 साल बड़ी है, इस वजह से लोगों को इनके इश्क के बारे में सुनकर अजीब लगा होगा। पर वो कहते हैं ना, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आपको बता दे, गौहर या उनकी टीम से शादी से जुड़ी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। गौहर जैद और उनके परिवार के साथ काफी फ्रेंडली है। जैद के भाई आवेज और बहन अनम भी गौहर को काफी पसंद करते हैं। शादी पर लगी जैद के पापा इस्माइल दरबार की मोहर। जी हाँ, जैद के पापा इस्माइल दरबार ने एक न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू देते हुए कहा, उनके बेटे जैद गौहर खान को डेट कर रहे हैं और अगर जैद उनसे शादी करते भी है तो वो आशीर्वाद जरूर देंगे। इतना ही नहीं, गौहर के साथ रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए जैद ने अपनी माँ को फोन पर बताया था। दोनों जल्द ही शादी कर सकते हैं। और अब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो गौहर और जैद की शादी 22 नवंबर 2020 को मुंबई में है। परिवार के लोग शादी में शरीक होंगे। बताया जाता है कि ये एक प्राइवेट वेडिंग सेरेमनी होगी। दो दिन में शादी के सारे फंक्शंस का आयोजन होगा। फैमिली के अलावा कुछ करीबी दोस्त भी शादी में शामिल हो सकते हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि गौहर और जैद दोनों की आने वाली जिंदगी खुशियों से भरी हो।